हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स। तो गाइज, मैं बताऊंगा आज हमारे इस अल्टरनेटर को हमने चेक कर रहे हैं, ये करंट नहीं निकाल रहा था। क्यों नहीं निकाल रहा था? और ये बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है, तो हमने इसको लगा दिया है। ये अर्थिंग वाला, माइनस का अर्थिंग वाला है, तो हमने इस अल्टरनेटर की इस बॉडी में यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर। और करंट वाला लिया हमने प्लस वाला, यहाँ पर हमने प्लस वाला करंट लिया है, वो हम इस बत्ती के अंदर लगा रखा है। बत्ती से वापस करंट जा रहा है जी, ये इसके अंदर लगा रखा है गाइस, यहाँ पर ये वाला। और उसके बाद में बत्ती का दूसरा वायर है जो हमारे अल्टरनेटर के अंदर ये से लगेगा गाइस। तो अब हम इसको रस्सी से इसको खींच कर देखेंगे गाइस, अगर ये बत्ती बराबर कंप्लीट तरीके से बंद हो गई, अगर जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो कंप्लीट है। अगर ये हल्की सी चल रही है तो गाइज ये करंट नहीं निकाल रहे गाइज, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? तो मैं सबसे पहले आपको इस रस्सी से इसको खींच कर देखूंगा गाइज। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो, तो गाइस अब हम इस रस्सी को खींचेंगे और ये बत्ती पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए गाइस। तो गाइस ये बत्ती बराबर तरीके से बंद नहीं हो रही है, हल्की सी चालू रह रही है, पूरी बंद नहीं हो रही, कम हो रही है बंद। एक बार ये देखो गाइस, तो इस तरीके से पूरी बराबर तरीके से बंद नहीं हो रही है। आइए देखते हैं इसे अल्टरनेटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपको खोल कर दिखाता हूँ गाइज, क्योंकि जब तक ये पूरी बंद नहीं होगी तब तक ये करंट नहीं निकालेगी गाइज। तो दोस्तों, ये अल्टरनेटर बराबर तरीके से इसकी बत्ती बंद नहीं हो रही है, वो हल्की सी चालू रह रही है। तो हम इसको खोलेंगे गाइज, और इसके अंदर थोड़ी आवाज़ भी आ रही है, तो इसके अंदर ऑयल ग्रीस करेंगे। और इसकी सर्विस कैसे करते हैं आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो गई जी, इसके अंदर मिट्टी विट्टी बहुत सारी जमी हुई है, और इसको खोलकर सर्विस करेंगे। बेरिंग में भी वो जाम चल रहे हैं। और इसको कैसे खोलते हैं, सबसे पहले 10 नंबर डेब्री को खोलना है, उसके बाद में इसको, और ये जाली के नट हैं 8 नंबर, इसको भी खोलना है। ये रेक्टिफाई प्लेट है जिसके अंदर ये एक नट ये लगा रहता है 8 नंबर, इसको खोलना है गाइस, जो अंदर से खुलेगा ये वो वाला नट। तो गाइस हमने इस 8 नंबर नट को खोलने के बाद में ये कार्बन बुश पर ये वायर लगा हुआ रहता है रेक्टिफाई प्लेट का, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद में आप इसको बाहर निकाल लेंगे इसको, तो ये खुल चुका है। अब इसको हम हल्के से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे ऐसे। तो गाइस हमने इसको खोल कर देख लिया है गाइस, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है गाइस, ये हमारे रेक्टिफाई प्लेट लगी हुई है, जिसके अंदर जो यहाँ पर गाइस ये डाइवर्ट आते हैं गाइस, यहाँ पर ये डाइवर्ट लगा हुआ है, जो डाइवर्ट पिकल चुका है, यहाँ पर से छूट चुका है, ख़राब हो गया। तो इसके अंदर ये इस वजह से काम नहीं कर रही थी, एक तो ये रेक्टिफाई प्लेट ख़राब है गाइस, और उसके बाद में कटावट की भी ये भी ख़राब है गाइस, क्योंकि इसके अंदर भी बल्ब थोड़ा हल्का सा डिम चल रहा है गाइस। तो अभी इसके अंदर प्लेट और कटावट चेंज होगी गाइस, उसके बाद में ये कम्प्लीट है, और अभी इसको सर्विस करते हैं। फिलहाल कार्बन बुश अभी रेडी है। तो गाइस हमने इसकी रेक्टिफाई प्लेट है हमने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी थी, जल चुकी थी, और अब हमने इसके अंदर नई वाली लगा दी है। तो गाइस इसके अंदर रेक्टिफाई प्लेट हमने लगा दी है, और ये कार्बन बुश है, इसके अंदर हमने कार्बन बुश चेंज कर लिए हैं, और ये कटआउट है इसकी जो ये टूट चुकी थी गाइस यहाँ से, तो ये हम सेट नहीं हो पाएगी, अगर इसके अंदर प्रॉब्लम भी है गाइस, तो हमने इसके अंदर अब चेंज करेंगे गाइस। ये वाली हम बढ़िया मैली क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी वाली कटआउट हम लगाएंगे गाइस। इस नट को खोलना है गाइस, इसको खोल कर इस तरीके से ऐसे थिंग वाला इसी में ही देना है गाइज, इसी में इसके अंदर और इसके अंदर कस देना गाइज। गाइज येलो कलर का वायर है जो हमारे कार्बन बुश के होल्डर में इस तरफ लगेगा, रेक्टिफाई प्लेट का ये वाला वायर और ये वाला दोनों वायर,
कमाइंड होकर इसमें लगेगा, और एक ग्रीन वाला वायर तो हम इसके अंदर ही सिंगल ही लगेगा, तो इसको इसके अंदर कस देंगे गाइज। तो गाइज हमने इसके अंदर तीन वायर सोल्डिंग की दें। अगर आपके ट्रैक्टर में अगर एम्पियर मीटर ये वाला जो है रेस वाला जो मीटर है अगर इलेक्ट्रिक है तो गाइज इसको ध्यान रखें, यहाँ पर जो बीच वाला वायर है यहाँ से एक वायर लेना है जो हमारा आरपीएम मीटर का वायर निकलेगा गाइज। अगर सादा वाला है तो यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी एम्पियर मीटर यहाँ से निकलते हैं गाइज। उसके बाद में हम इसको फिट करेंगे गाइज, यहाँ से घिस लेंगे अच्छे से ताकि प्लेट को अर्थिंग अच्छे से मिलना चाहिए बॉडी का इस तरीके से ऐसे। उसके बाद में गाइज ये वाला येलो कलर का और कटावट का येलो कलर का दोनों ही कार्बन बुश में लगेगा गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो इस तरीके से कनेक्शन करना है, अंदर का जो कटावट का येलो वाला और रेक्टिफाई प्लेट का येलो वाला वायर इस वाले कार्बन बुश के स्क्रू में लगाना है, और ग्रीन वाला तो सिंगल ही लगेगा इसके अंदर। और उसके बाद में यहाँ पर 8 नंबर नट है, इसको अच्छे से टाइट कर दें। रेक्टिफाई प्लेट का जो 10 नंबर है मेन वायर नट है करंट वाला, ध्यान रखें इस बॉडी का टच ना हो। यहाँ पर एक पैकिंग लगी हुई है गाइज, इसको अच्छे से सेट करें यहाँ पर रबड़ वाली। उसके बाद में गाइज इसको इससे सेट करना है। तो दोस्तों अब ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये इसके अंदर रोटर के अंदर दोनों बेयरिंग में हमने ग्रीस कर दिया है खोलकर, और ये कॉमोनेटर है यहाँ से हम रेजमाल से इसकी सफाई कर दिए क्योंकि इसका कार्बन जमा हुआ था वो भी साफ हो गया। और एक बात और बता दूं आपको, इसका अगर रोटर को चेक करना है तो गैस दोनों प्लस माइनस के वायर लेने हैं बैटरी के, और एक यहाँ पर टच करना है और एक को ऐसे ऐसे टच करके देखना, अगर स्पार्किंग चमक रही है यहाँ पर तो सही है गैस, अगर नहीं चमक रही है तो इसके अंदर कुछ फॉल्ट है गैस, इसको निकालें। सेम उसी तरीके से इसके जो तीन वायर आते हैं उसी में भी सेम आपस में चेक करें, उसमें भी स्पार्किंग होनी चाहिए। तो गैस अभी हम इसको फिट करेंगे, फिट करने से पहले आपको एक बता दूं, ध्यान से देखें गाइस, अगर इसके अंदर कार्बन बुश हैं हम इसको ऐसे फिट करेंगे तो कार्बन बुश बेयरिंग के अड़ेगा तो टूट सकता है गाइस। तो इसको क्या करना है, ऐसे दबाना है दोनों को अंगुली से, और एक सुई लेनी है, सुई को लेकर गाइस यहाँ पर एक छेद रहता है गाइस, छेद में ऐसे होकर यहाँ से डालना गाइस, ये छेद सिर्फ कार्बन बुश को रोकने के लिए होते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कार्बन बुश अंदर दब चुके हैं एक सुई से इस तरीके से। अब ये पहले छेद मिला लेना ऊपर, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो छेद से छेद मिलाकर आसानी से इसको फिट कर देगा जैसे। अभी नहीं मिला तो गाइस इस जगह पर तीनों छेद बराबर मिल रहे हैं तो हम इसको इसी जगह पर फिट कर देंगे गाइस। तो छेद मिलाकर इसको फिट कर दिया, और उसके बाद में स्प्रिंग को इस वायर को निकालने से पहले, सुई को निकालने से पहले इसकी ध्यान से दो बार आवाज़ आनी चाहिए स्पार्किंग छूटने की, मतलब ये कार्बन को छूटने की, देख सकते हैं आपको एक ये दोनों, अगर दोनों आवाज़ अच्छे से आई तो ये कार्बन को अच्छे से सेट हो जाएगा। ये ऐसे ग्रीस लगा लेना है, जब भी आप खोलो आपको आसानी से खुलेगा, बॉडी नहीं टूटेगी, ये नट नहीं टूटेगा। तो गाइस बॉडी के यहाँ से रेजमान से घिस लेना है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से कार्बन आ जाता है तो बॉडी को अर्थिंग नहीं मिलता ट्रैक्टर का, तो इस वजह से भी करंट नहीं निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम इसको लगाकर चेक करेंगे बत्ती को इसके अंदर, पिन में बत्ती की जो पिन है इसके अंदर, इसको हमने इसके अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद में गाइज आपको दिखा देता हूँ, रस्सी खींचूँगा वापस तो ये बंद हो जाएगी गाइज, पूरी तरीके से बंद होएगी गाइज, आधी नहीं होएगी पूरी होएगी, जब तक पूरी बंद नहीं होएगी तब तक करंट अच्छे से नहीं निकालेगा। ये देखो गाइस, तो पूरी तरीके से ये वाली बत्ती बंद हो चुकी, बिल्कुल बंद हो गई, और जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो अल्टरनेटर भी ज़्यादा घूमेगा नहीं, थोड़ा सा घूम कर रुक जाता गाइस क्योंकि करंट में लोड पर चलता है। ये देखो गाइस।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करें।